क्लास फिफ्थ के चैप्टर फोर्थ का सेकंड लेक्चर आए जिसमें हम पेज नंबर फिफ्टी फोर्थ से स्टार्ट करेंगे ठीक है ना हमने इसके पहले पढ़ लिया है अब फिफ्टी फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टार्ट uh, करते हैं हमारा चैप्टर है क्लास फ्लाफ क्लास फिफ्थ का फोर्थ चैप्टर यहाँ पर है सिक्स पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल यहाँ पर क्या दिए हैं कि रानी हैज़ डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू सिक्स इक्वल पार्ट लाइक दिस ठीक है ना रानी कोई लड़की है उसने क्या किए हैं यहाँ पर uh, एक ग्रीन रेक्टेंगल को उसने सिक्स पार्ट में क्या किया है डिवाइड किया है ठीक है ना तो देखिए आप ये ग्रीन कलर में उसने डिवाइड किया है तो यहाँ पर लिख रहा है कि नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इंटू सिक्स इक्वल पार्ट आपको भी क्या करना है यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया ब्लू कलर में इसको आपको क्या करना है सिक्स इक्वल पार्ट में आपको इसको भी डिवाइड करना है ठीक है ना लेकिन क्या करना है यूज़ अ डिफरेंट वे लेकिन डिफरेंट वे में करना है उसने ऐसे किया है ठीक है ना इस टाइप से देखिए उसने ग्रीन कलर में इस स्टाइप किया है तो आपको डिफरेंट वे में करना है फॉर ईच ऑफ द थ्री रेक्टेंगल ठीक है ना क्या क्या बनना चाहिए जिसमें थ्री रेक्टेंगल बनना चाहिए तो ठीक है देखिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसमें जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ना तो आप ये इस टाइप से कर सकते हैं एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं ये और इस टाइप से ठीक है ना तो ये आपके क्या बन गए यहाँ पर ये आपके और एक और लाइन आप ऐसी स्केल से खींचिएगा ठीक है ना एक और खींचिएगा तो आपके ये सिक्स रेक्टेंगल बन जाएंगे तो इस टाइप से आप क्या बना लीजिएगा इसमें बना सकते हैं ठीक है ना तो इस टाइप से आपको क्या करना है स्केल से खींचिएगा तो आपके सही तरीके से बन जाएंगे ठीक है ना मैंने आपको ये बनाकर कर बताएं तो इस टाइप से आपको क्या करना है ड्रो करना है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पर भी क्या दे रखा है यहाँ पर भी वही करना है यहाँ पर भी सिक्स रेक्टेंगल बनाने हैं आपको ठीक है ना तो इस टाइप से आप यहाँ पर भी बना सकते हैं ठीक है ना जैसे मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से बनाना है ठीक है ना ऐसे बना लीजिएगा आप एक दो तीन चार स्कल से बनाइएगा आप पाँच और एक टाइप से छः रेक्टेंगल ऐसे के ऐसे आपको यहाँ पर भी बनाना है ठीक है ना तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है यूज़ करना है तो इस टाइप से आप इन दोनों में क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना फिर ये वहाँ पर दिया है डिस्कस हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली वन सिक्स ऑफ द दैट रेक्टेंगल आप ये कैसे चेक करेंगे कि जो ईच पार्ट हैं वो रियली वन सिक्स ऑफ दैट रेक्टेंगल के वन सिक्स हैं ठीक है ना तो इसका आंसर देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर ये देखिए यहाँ पर ये ये है आंसर ठीक है ना थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ उसको ये देखिए ये पूरा का पूरा आंसर है तो ट्रेस है रेक्टेंगल हम रेक्टेंगल को ट्रेस कर सकते हैं इक्वल टू एनी वन ऑफ द सिक्स पार्ट ऑफ वन ऑफ द फिगर के ठीक है ना सिक्स पार्ट में इसको क्या कर सकते हैं हम ट्रेस कर सकते हैं ठीक है ना पुट द ट्रेस आउट रेक्टेंगल ऑन द एंड रिमेनिंग पार्ट ऑन द वाई वन एक, एक करके हम उसको देख सकते हैं ठीक है ना इट ओवर लूप कम्प्लीटली वो क्या कर रहा होगा ओवर लूप कर रहा होगा दिस सो दैट इससे दिखता है हमको कि ईच ऑल पार्ट इस वन सिक्स हैं ठीक है ना ऑफ द गिवन रेक्टेंगल के जो पार्ट है वो क्या है वन सिक्स हैं ठीक है ना इन द सेम वी ठीक है ना इन द सेम वी कैन फाइंड आउट इन केस ऑफ द अदर फिगर ठीक है ना तो इस टाइप से ये आप क्या कर लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है ठीक है ना फिर चलते हैं हमारे चैप्टर पर ठीक है ना यहाँ पर दिया है कि द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन जो ग्रीन रेक्टेंगल दिया है बिगर देन द दे ब्लू वन ब्लू वन से जो ग्रीन है वो बिगर है ठीक है ना बड़ा है कैन बी से दैट क्या आप कह सकते हैं कि वन सिक्स ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन वन सिक्स ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल ठीक है ना तो हम कह सकते हैं इसका आंसर आप लिखेंगे यस आप यहाँ पे यस लिखेंगे ठीक है ना यहाँ पर आप लिखेंगे यस और फिर यहाँ पर सेम लाइन लिख देंगे द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन वन अपॉन सिक्स ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल ठीक है ना तो पूरी की पूरी आप ये लाइन यहाँ से क्या कर देंगे राइट कर लेंगे ठीक है ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पोइम दी गई है ठीक है ना बीरबल टाइप की बीरबल की दो तो ग्रीडी गेट कीपर ठीक है ना तो रिमेंबर बीरबल हमें याद है बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर का हमको याद है कि एक बीरबल था जो क्या था बहुत ही चतुर मिनिस्टर था किसका था राजा अकबर का ठीक है ना मैथ्स मैजिक क्लास फोर्थ में पेज नंबर फोर्टीन पर भी एक क्या याद दिया गया डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर तो आप क्या बता सकते हैं वो कैसे मिनिस्टर बना ठीक है ना तो आपको बताना है बीरबल वाज देन अ यंग बॉय लिविंग इन विलेज तो बीरबल था वो एक ए, यंग बॉय था वो एक विलेज में रहता था ही वॉज वेरी क्लेवर वो बहुत ही चतुर था एंड कूड राइट पोइट्री और वो क्या कर सक ए, क्या करता था पोइट्री लिखता था ठीक है ना ही थाट ले उसने एक दिन सोचा कि ही वो ट्राई हिज लक इन किंग्स कोर्ट और उसने एक दिन सोचा कि वे क्या करेगा अपना लक आजमाएगा किंग्स के दरबार में ठीक है ना सो ही टुक समोएम एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी ठीक है ना सो so उसने क्या किया कि सम पोईम रखी उसने और सिटी की ओर चल दिया ठीक है ना जब ही रीच द आउटर गेट जब वो आउटर गेट पर पहुंचा ऑफ द प्लेस पे तो ही वाज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर तो उसको गेट कीपर ने रोक लिया हाय स्टॉप देयर ठीक है ना हाय यहाँ पर रुको वेयर आर यू गोइंग कहाँ जा रहे हो सा आउट द गेट गेट कीपर चिल्ला आई एम अ पोइट बीरबल ने कहा मैं कौन हूँ मैं पोइट हूँ आई वॉन्ट टू सी किंग और मैं क्या करना चाहता हूँ राजा को देखना चाहता हूँ अकबर एंड शो माई पोइम टू हिम रिप्लाई द पोइम और मैं अपनी पोईम क्या करना चाहता हूँ अकबर को दिखाना चाहता हूँ पोइट ने कहा ओ यू आर अ पोइट द किंग इज़ काइंड ठीक है ना जो राजा है वो क्या है बहुत ही दयालु है ही विल स्योरली गिव यू अ प्राइज़ तुम्हें क्या देगा प्राइज़ देगा आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी वन टेन ऑफ योर प्राइज़ अब क्या करना है अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तुम मुझे प्राइज़ का वन टेन क्या करोगे दोगे कौन बोला कैप गेट कीपर बोला ठीक है ना यंग वीरवल यंग जो बीरवल था वो एग्री हो गया सिंस ही एड नो अदर वे क्योंकि उसके पास और कोई क्या नहीं था रास्ता नहीं था जब ही वेंट इन जब वह चला गया तो द गेट कीपर कैलकुलेट के यदि ही गेट से ए, ए, मतलब टेन हंड्रेड मतलब वन हंड्रेड गोल्ड अगर उसे मतलब जो गेट कीपर है वो सोच रहा है ठीक है ना क्या सोच रहा है कि यदि अगर उसको हंड्रेड गोल्ड मिलेंगे तो फिर मुझे कितना मिलेगा ठीक है न आई विल गेट गोल्ड तो यहाँ पर देखिए हंड्रेड का हम वन टेन निकालते हैं देखिए यहाँ पर हंड्रेड का हम वन टेन निकालते हैं यहाँ पर तो देखिए वन टेन और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है ना तो जीरो से क्या कर देंगे हम जीरो काट देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा टेन तो उसको कितने कितने गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे उसको टेन गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे ठीक है ना कितने मिलेंगे तो टेन गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे किसको मिलेंगे फर्स्ट गेट कीपर को ठीक है ना फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द पोएट कम टू सेकेंड गेट कीपर जो पोएट है वो कहाँ पहुँचा सेकेंड गेट कीपर के पास पहुँचा दिस गेट कीपर ऑल्सो सैड गेट कीपर ने भी वही कहा जो पहले वाले ने कहा था ठीक है ना आई विल लेट यू इन यदि यू गिव मी टू फिफ्थ योर प्राइस मैं तुमको जाने दूंगा यदि मुझे तुम प्राइस का क्या दोगे टू फिफ्थ पार्ट दोगे अपनी प्राइस का द पोइट एग्रीड पोइट क्या हो गया एग्रीड हो गया इसके बाद द गेट कीपर हैप्पली कैलकुलेट और जो गेट uh, कीपर है वो है पली मतलब क्या करता है कैलकुलेट करता है कि द पोएट ए, पोएट बिल अगर उसको भी क्या मिलेंगे हंड्रेड कॉइन सॉरी हाँ हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे सो बिल गेट गोल्ड तो उसको कितने मिलेंगे ठीक है ना तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर टू फिफ्थ निकाल लेते हैं हम हंड्रेड का ठीक है ना अब हम निकालेंगे टू फिफ्थ हंड्रेड का तो हंड्रेड का निकालेंगे हम यहाँ से फाइव से इसको डिवाइड करेंगे तो फाइव टू जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी टू जो कितना हो जाएगा फोर्टी इस टाइप से उसको कितने मिलेंगे फोर्टी तो यहाँ पर ये यह जो ब्लैंक दिया है इस यहाँ पर भर लीजिएगा फोर्टी कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स उसको क्या मिलेंगे गेट होंगे प्राप्त होंगे ठीक है ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द पोइट रीज द लास्ट गेट जब वो पोइट लास्ट गेट पर पहुंचा तो द गेट कीपर सेट गेट कीपर कहता है कि आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू मी हाल्फ़ अब तो क्या कहा उसने जो सेकेंड गेट कीपर मतलब जो लास्ट गेट पर पहुँचा तो वहाँ पर भी एक गेट कीपर था ठीक है ना उसने भी क्या कहा उसने भी कहा कि यदि तुम मुझे अपनी प्राइस का अगर आधा भाग मतलब हाल्फ भाग मुझे दोगे तो तो भी मैं तुम्हें क्या कर करने दूंगा यहाँ से जाने दूंगा ठीक है ना द पोइट हैड नो वे उसके पास कोई और रास्ता नहीं था ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड साइड और उस, उसने क्या कर दिया वह उससे वादा कर दिया वह सहमत हो गया और वह चला गया ठीक है ना अब द गेट कीपर थॉर्ड जो गेट कीपर है वो सोच रहा है कि टुडे इज़ ग्रेट डे याद ही गेट्स से हंड्रेड गोल्ड कॉइंस तो आई विल गेट तो इसको कितना मिलेगा अब चूंकि हम निकाल लेते हैं बन हाल्फ़ निकाल लेते हैं हंड्रेड का हाल्फ निकाल लेते हैं हम ठीक है ना तो उसको कितना मिलेगा अब देखिए अगर उसको जो थर्ड गेट कीपर है उसको कितना चाहिए हाफ़ चाहिए ठीक है ना तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी तो यहाँ पर जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा फिफ्टी ठीक है ना भाव आई गेल मुझे कितने मिलेंगे फिफ्टी ठीक है ना यदि अब वो कह रहा है कि यदि उसको हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे फिफ्टी मिलेंगे यदि उसको वन मिलते हैं अगर उसे वन थाउजेंड मिलते हैं तो फिर उसको देखो यहाँ पर हाफ़ निकाल लेते हैं हम वन का वन थाउजेंड का हाफ़ निकालेंगे वन थाउजेंड का तो कितना आएगा फाइव हंड्रेड आएगा कितना आएगा फाइव हंड्रेड तो पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा फिफ्टी और दूसरे में आ जाएगा फाइव हंड्रेड ठीक है ना तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं द किंग वॉज़ वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सैड वो पोएम से बहुत ही क्या हो गया खुश हो गया और उसने कहा योर वर्क इज़ वेरी गुड तुम्हारा जो काम है बहुत ही अच्छा है यू कैन आस्क एनी थिंग एस योर प्राइज तुम कोई भी प्राइज़ मुझसे क्या कर सकते हो मांग सकते हो माई लॉर्ड अकबीरवर बोला आई वॉन्ट हेब्स अब बो बोला कि मुझे क्या चाहिए हंड्रेड स्लेप्स चाहिए ठीक है ना तो राजा बोला वॉट हंड्रेड स्लेप्स ठीक है ना मतलब तुमको सौ थप्पड़े चाहिए ठीक है ना हाँ तो यहां पर ये यह ब्लैंक दिया है यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप यस लिख लीजिएगा यहाँ पर यस लिखना है आपको क्या लिखना है यहाँ पर आपको यस लिखना है ठीक है ना तो यहां पर यस लिख लीजिएगा फिर द किंग वाज सॉग्ड जो राजा था वो क्या हो गया चौक गया व्हाट एपन आफ्टर दैट इसके बाद क्या हुआ कंप्लीट द स्टोरी बार्ट पार्ट ऑफ़ द प्राइस डिड ही पोइट गेट अब पोइट को कितना मिला पोइट को तो देखिए अब पहले गेट कीपर को उसने कितना दिया पहले गेट कीपर को उसने दिया देखो पहले गेट कीपर को उसने दिया टेन दूसरे को दिया उसने फोर्टी और तीसरे को दिया होगा उसने फिफ्टी तो टोटल अगर देखा जाए तो क्या हो गया हंड्रेड और तो उसके पास क्या बचा जीरो ठीक है ना तो उसके पास क्या बचेगा जीरो बचेगा तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है के द अकबर हैड नो मनी ठीक है ना उसके पास कोई भी ननी रिमेनिंग नहीं बची ठीक है ना उसके पास कोई भी तो ये आपको लिखना है ठीक है ना इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया है पैटर्न इन पार्ट में दिए हैं ठीक है ना मे का डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग सम स्क्वायर इन द ग्रिड ए बी सी डी वाट पार्ट ऑफ़ द ग्रेट डिड यू कलर व्हाट पार्ट ऑफ़ द ग्रेड रिमेनिंग वाइट ठीक है ना कौन सा वाइट है और कौन सा कलर है तो देखिए यहाँ पर कलर किया हुआ है लेकिन आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू ब्लू कलर में हो रहा है ना ए वाला जो है ना इसके डिफरेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए फिर आपको यहाँ पर लिखना भी है तो देखिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ आपको ये देखिए यहाँ पर ये मैंने ये पहले बी वाले में बनाया है तो मैंने फ़ोर क्या किए हैं कलर किए हैं तो एक पैटर्न मेरा ऊपर वाला बन गया और एक पैटर्न मेरा नीचे वाला ये वाइट वाइट वाला हो गया और ये कलर करना है तो आप कलर कर लीजिएगा मैंने यहाँ पर सिर्फ पेन के क्या लगाएं यहाँ पे निशान लगाएं तो इस टाइप से मैंने ये पैटर्न बनाए हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है कलर किया है यहाँ पर देखिए ये पेन पेन के जो पेन पेन चल रही है यहाँ पर क्या कर, किया है मैंने कलर किया है ठीक है ना तो इसको कलर कर लूँगा तो अब मैंने मुझे बताना है कि ये कितना पार्ट है का? तो टोटल कितने हैं यहाँ पर स्क्वायर टोटल हैं सिक्सटीन सिक्सटीन में से मैंने फ़ोर पर क्या किया है कलर किया है तो ये नीचे वाले वाइट बचेंगे और ऊपर वाले वाइट बचेंगे तो मेरे कितने हो गए फोर ए, फोर अपॉन में सिक्सटीन मेरे ब्लैक हो गए और बची बा, बाकी टॉयल अपॉन सिक्सटीन मेरे वाइट बचे ठीक है ना फिर ऐसा ही क्या किया है मैंने यहाँ पर भी पैटर्न बनाया है यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सस्टीन सिस्टिन ही है ठीक है ना यहाँ पर भी पैटर्न बनाया है देखिए यहाँ पर मैंने पहला बनाया पहले में कलर किया दूसरा छोड़ा है फिर दूसरे में फिर दूसरा छोड़ा है ठीक है ना यहाँ पर फिर क्या किया है फिर मैंने पहला छोड़ दिया दूसरे दूसरा छोड़ दिया और चौथे में ऐसे टाइप से आपको क्या करना है यहाँ पर कलर करना है तो कितने भाग पर मैंने मतलब ये किया है तो मैंने एट सिक्सटीन के एट पार्ट में ब्लैक किया है मैंने और एट अपॉन सिक्सटी मैंने वाइट छोड़े हैं ठीक है ना तो इस टाइप से यहाँ पर भी देखिए ये यह देखिए यहाँ पर भी मैंने यही किया है कि पहले मैंने एक लास्ट वाला ले लिया और एक सेकंड वाला ले लिया फिर मैंने एक पहला वाला ले लिया और एक थर्ड वाला तो इस टाइप से मैंने पैटर्न बनाया मुझे ये देखना है कि मैंने कितना बनाया तो मैंने सेवन अपॉन सिक्सटीन के ब्लैक किए हैं और नाइन अपॉन सिक्सटीन मेरे वाइट हैं तो इस टाइप से मैंने ये क्या किया है कलर नहीं किया है आप कर लीजिएगा ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है मैंने ऐसे ही कर दिया थोड़ा तो, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ठीक है ना तो ये आ जाते हैं हम यहाँ ठीक है ना तो इस टाइप से आपको लिखना है मैंने बता दिया अब यहाँ पर देखिए लुक एट द ग्रेट ए अगेन इज द ग्रेड कलर्ड ठीक है ना लुक एट द ग्रेड अब हमको ग्रेड देखना है ठीक है ना तो देखिए जो कलर ग्रेड है ना ये वाला ये जो ब्लू ब्लू ए वाला है ना पैटर्न ये जो ब्लू ब्लू कलर का है यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ना देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे किसको यहाँ पर देखिए एट वन जी एट और एट टू जिक्सटीन हो जाएगा तो वन ए टू ये आ रहा है और एट वन जट एट टू जो सिक्सटीन वन अ टू यही आ रहा है तो यही करना है हमको क्या करना है यहाँ पर भी यही बताना है तो बताइए ग्रेट कलर्ड ये वना पॉइंट ब्लू है और बना पॉइंट टू वाइट है हाँ तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना पहला वाला आपका राइट हो जाएगा दूसरा वाला भी आपका राइट हो जाएगा क्यों क्योंकि टू वन जै टू तू जा टू जा तू, टू जै फोर टू वन जै टू उ टू टू जै फोर हाँ ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बना पॉइंट टू नहीं बना रहा है ये भी क्या बना रहा है फोर वन जै फोर फोर टू जै एट तो ये भी बना पॉइंट टू क्या बना रहा है बना रहा है तो इस टाइप से ये आपके ये वाला भी क्या हो जाएगा ये ए बी और डी वाले आपके सही हो जाएंगे और सी वाला रॉन्ग हो जाएगा तो वहाँ पर आपको बताना है मार्क लगाना है रॉन्ग आंसर पर ठीक है ना ड्रो ग्रेड आप फिर आपको क्या करना है यहाँ पे ग्रेड बनाना है ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर का एंड मेक पैटर्न विध इस टाइप से पैटर्न करना है आपको टू तो एंड अपॉन एट रेड होना चाहिए वन अपॉन टू येलो होना चाहिए और वन अपॉन फोर ग्रीन होना चाहिए तो इस टाइप से मैंने देखिए यहाँ पे पैटर्न बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए ये देखिए तो ये मैंने ग्रेड बनाया है ठीक है ना ये यह देखिए यहाँ पर ये यह ग्रेड है ठीक है ये ग्रेड है तो ये ग्रेड में मुझे क्या करना है टू अपॉन एट सिक्सटीन का टू अपॉन एट बनाना है इसका मतलब मुझे फोर रेड बनाना है वन अपॉन टू सिक्सटीन का मुझे बनाना है इसका मतलब है मुझे एट एलो बनाना है वन अपॉन्ट फोर्थ मुझे सिक्सटीन का बनाना है तो मुझे फोर क्या बनाना है ग्रीन बनाना है तो ये इस टाइप से मुझे यहाँ पर ये जो ग्रेड है तो आप बना लीजिएगा और इसमें फोर फोर कॉलम आपको रेड करना है एट कॉलम आपको क्या करना है येलो करना है फोर कॉलम आपको क्या करना है ग्रीन करना है तो इस टाइप से आप कर लीजिएगा मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बता दिया है बनाकर बता दिया गया है ठीक है ना नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर ही ठीक है ना तो ये देखिए ऐसे ही ये है ए बी वाला क्या कह रहा है कि थ्री अपॉन सिक्सटी ब्लू है फाइव अपॉइंट सिक्सटी रेड हैं और वन अपॉइंट टू येलो हैं तो एक ऐसा बनाना है तो ये इसका आंसर देखिए ये है इसका आंसर ठीक है ना थ्री अपॉन्ट सिक्सटी का थ्री अपॉइंट सिक्सटी इंटू सिक्सटीन कितना हो जाएगा तो थ्री मुझे ब्लू बनाना है ये देखिए ग्रेड बनाया मैंने सेकंड बी वाले का और फाइव अपॉन्ट सिक्सटीन मुझे क्या बनाना है सिक्सटीन का ही मुझे बनाना है फाइव अपॉइन्ट सिक्सटी तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं सिक्सटीन से तो मुझे मेरे क्या निकल कर आएंगे फाइव रेड निकल कर आ जाएंगे फिर बरावन टू सिक्सटीन का करूँगा तो टू से सिक्सटी को डिवाइड करूँगा तो एट एलू आ जाएंगे इसका मतलब है कि आपको थ्री ब्लू करना है कलर रेड कलर करना है और एट येलो कलर करना है ठीक है ना तो इस टाइप से आपको क्या करना है यहां पर करना है ठीक है ना अब चलते हैं रामूस वेजिटेबल फील्ड पर चलते हैं थोड़ा सा रामूस वेजिटेबल फील्ड है जो नाइन इक्वल पार्ट्स हैं उसके ठीक है ना ये देखिए नाइन इक्वल पार्ट है इसकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ना व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो तो कौन कौन से वेजिटेबल उसने उगाए हैं इसका आंसर देखिए मैं आपको बताता दू इसका आंसर है ये रामू ग्रो चिलीज पटेटो व्रंजल टमेटो एंड स्पिनच ठीक है उसने क्या किया ये उसने ग्रो किए हैं ठीक है ना अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है बिच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा वेजिटेबल ग्रो किए हैं उसने ठीक है ना तो इसका आंसर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर ये है टमेटो ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट तो इसका आंसर ये देखिए ये लिखा है टमैटो ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिस फील्ड इट्स ग्रो इन वन थर्ड पार्ट ऑफ द फील्ड कितने पार्ट में है वन थर्ड पार्ट में है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए पहले तो इसका आंसर आप पॉँच करके लिख लीजिएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए टमैटो देखिए पहला पार्ट है दूसरा तो थ्री थ्री में है वन थर्ड मतलब वन थर्ड है उसका नाइन का वन थर्ड है तो वन थर्ड पार्ट में क्या है टमेटो है अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ऑन वार्ट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पटैटो पटैटो उसने कितने फील्ड में उगाए हैं ठीक है ना तो इसी का भी इसी में है क्वेश्चन देखिए तो ही ग्रो पटैटो ऑन टू अपन नाइन कितने पार्ट में उगाए हैं ओपन है नाइन के टू पार्ट में उसने क्या उगाए हैं फील्ड में पटैटो उगाएं ठीक है ना फिर थर्ड बोल रहा है थर्ड क्या बोल रहा है वो वो थर्ड बोल रहा है कि वॉट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच स्पिनच के लिए उसने कितनी फील्ड ली है तो स्पिनच के लिए उसने लिए देखिए स्पिनच के लिए उसने लिए वन अपन पार्ट ऑफ फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच यहाँ पर देखिए थर्ड वाला आंसर लिख रहा है ये लिख रहा है ना थर्ड तो वन अप नाइन पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज ग्रो स्पिनच और टू अपॉन नाइन पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ब्रिंजल और कितना टू अपॉन नाइन उसने ब्रिंजल के लिए लिया है ठीक है ना तो ये पूछ रहा है ब्रिंजल का भी बताना है और स्पिनच का भी बताना है तो मैंने आपको दोनों को बता दी अब नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर इस पिक्चर को देखकर आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो लिखना है आपको देखिए आपको हमारे हम, हमारे मन में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे मन में पहला क्वेश्चन आता है कि भाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही यूज टू ग्रो चीलीस मतलब चीलीस का उसने कितना पार्ट फील्ड में मतलब फील्ड के कितने पार्ट में उसने चीलीस उगाई है तो इसका आंसर हो जाएगा कि ही यूज टू बन अप ऑन नाइन पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ टू ग्रो चिलीज फिर ये आ रहा है फिर हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि बिज वेजिटेबल डज ही ग्रो इन थ्री पार्ट ऑफ द फील्ड कि थ्री पार्ट ऑफ फील्ड में उसने कौन सी वेजिटेबल उगाई है तो ही ग्रो टमैटो इन थ्री पार्ट ऑफ़ द फील्ड ठीक है ना थ्री पार्ट में उसने क्या उगाया है टमैटो उगाया तो इस टाइप से हमारे मन में ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं चल रहे हैं ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं ये देखिए यहाँ पर यह यू क्वेश्चन एंड आंसर अब यहाँ पर क्या कहना क्वेश्चन आंसर देना है हमको ठीक है ना यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी समझ लेना ठीक है ना क्योंकि ये सेकंड पेज है इसका इसके बाद कोई पेज नहीं है मैं इसकी इसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ठीक है ना तो ये देखिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं रामू वांटेड टू गिव दिस क्या रामू क्या चाहता है रामू अपनी वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड को देना चाहता है ही तो गैब On अब वो बेकर ऑन वन फिफ्थ ऑफ दिस टमेटो अब यहाँ पर टमेटो देखिए है कितने हैं तो इनको गिन लेते हैं काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व फिफ्टीन सेवेंटी फिफ्टीन ठीक है ना तो ट्वेंटी हैं देखिए है, चार फिर पाँच फिर छः और फिर पाँच तो यहाँ पर टोटल जो टमेटो हैं वो ट्वेंटी हैं अब ट्वेंटी का वो क्या करना चाहता है ट्वेंटी का वो बन अपॉन फिफ्थ पार्ट वो टमेटो एंड वन अपॉन थर्ड ऑफ टमेटो एंड टू अपॉन फाइव ऑफ टमेटो क्या करना ही गै अबू बेकर को कितना देना चाहता है वो वन फिफ्थ ऑफ दिस टमेटो एंड वन थर्ड ऑफ टमेटो पटैटो उसका ठीक है ना तो वो टमेटो का कितना देना चाहता है वन फिफ्थ देना चाहता है तो टमेटो का निकालेंगे वन फिफ्थ तो वन फिफ्थ निकालेंगे टमेटो का टमेटो कितनी है टोटल ट्वेंटी तो फिफ्थ से इसको क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर कितना आ जाएगा फोर तो फोर टमेटो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप फोर पर निशान लगा लीजिए ये फोर टमाटो वो क्या करना चाहता है यहाँ पर आप लगा लीजिएगा पेन से लगा लीजिएगा मैंने तो फोर टमेटो वो किसको देना चाहता है अबू बेकर को देना चाहता है टमेटो का टमेटो का वन फिफ्थ का मतलब हो जाएगा इसका वन फिफ्थ मतलब टोटल टमेटो कितने हैं ट्वेंटी हैं इसका अगर वन फिफ्थ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा तो इस टाइप से फोर टमेटो वो किसको देना चाहता है अबू बेगर बेकर को और वन थर्ड देना चाहता है वो पटेटो का अब पटेटो कितने यहाँ पर तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह ठीक है ना देखिए पाँच और पाँच दस और चार अठारह टोटल कितने हैं एटीन है एट्टीन है, पटैटो हैं अब वन थर्ड देना चाहता है तो यहाँ पर वन थर्ड हो जाएगा एट्टीन का हमारा सिक्स तो सिक्स पटैटो वो किसको देना चाहता है सिक्स पटेटो देना चाहता है वो ठीक है ना तो वन थर्ड कितना हो जाएगा सिक्स तो सिक्स पटेटो देना चाहता है और फोर टमाटो देना चाहता है ठीक है ना फिर आगे बढ़ते हैं ए ये है स्रीजा स्रीजा गोड टू अपन फिफ्थ और टमाटो और श्रीजा को कितना देना चाहता है टू अपॉन फिफ्थ तो टू अपॉन फिफ्थ निकाल लेते हैं हम टमेटो का टू अपॉन फिफ्थ हम निकाल लेते हैं टमेटो का टमेटो का टू अपॉन फिफ्थ हो जाएगा ये फोर बार और फोर का टू से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा एट तो एट देना चाहता है वो किसको श्रीजा को कितना एट और वन सिक्स पटेटो का देना चाहता है तो वन सिक्स पटेटो का निकाल लेते हैं हम तो वन सिक्स किसका निकाल लेते हैं वन सिक्स निकाल लेते हैं हम पटेटो का सिक्स से एट्टीन को डिवाइड करेंगे थ्री बार सॉरी वन सिक्स नहीं निकालना थ्री सिक्स निकालना है ठीक है ना और थ्री 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 या नाइन होते हैं तो नाइन पटेटो देना चाहता है और, और एट क्या देना चाहता है वो श्री को टमाटो देना चाहता है तो इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा ठीक है ना अब मुझे बताइए नैन्सी गॉड द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल सर्कल अबू बेकर शेयर इन ब्लू सर्कल ब्लू सर्कल में लगाना है आपको बेकर को और सर्कल करना है आपको येलो कलर से करना है आपको सिरी जा का ठीक है ना तो ये करना है अब नैन्सी के पास कितने बचे क्योंकि नैन्सी है वो जो दे रही है सॉरी तो फिर नैन्सी को कितने दिए होंगे उसने अच्छा मुझे एक बात बताइए इसने यहाँ फोर और एट कितने दे दिए यहाँ पर टोटल टमाटो कितने दे दिए उसने टोटल टमाटो है हमारे पास ट्वेंटी फोर और एट उसने किस किस को दे दिए उसने अबूवेकर को और श्रीजा को उसने टोटल कितने दे दिए ट्वेल्व उसके पास कितने बचे तो नैनसी के किस कितने बचेंगे ट्वेल्व दे दिए ट्वेंटी में से ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस करेंगे तो कितना आएगा एट तो नैनसी के पास एट टमाटो बचेंगे ठीक है ना इसके बाद पटेटो निकाल लेते हैं अब पटैटो हमने पहला पटेटो निकाला था तो क्या आ रहा था नाइन और फिर आ रहा था हमारा सिक्स तो नाइन और सिक्स कितना आ रहा था फिफ्टीन और टोटल पटैटो कितने हैं एटीन एट्टीन में से फिफ्टीन को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा थ्री तो थ्री नैनसी के पास बचे पटेटो कितने बचे थ्री ठीक है ना तो इस टाइप से आपको क्या करना है ये फाइंड करना है और इस टाइप से क्या हो जाता है हमारा ये जो सेकेंड लेक्चर लेकर आए थे हम क्लास फिफ्थ के फोर चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो जाता है ठीक है ना इसका मैं थर्ड लेक्चर लेकर आऊँगा ठीक है ना थैंक यू धन्यवाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर